आरजेडी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की आज शुरुआत हो गई है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, लेकिन बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यहां नहीं पहुंचे। बता दें कि जगदानंद सिंह पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। जब से बेटे सुधाकर सिंह का नीतीश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा हुआ है, तब से जगदानंद सिंह राजद से नाराज चल रहे हैं। वहीं सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार राजद के कई बड़े नेता मनाने की कोशिश भी किए, बावजूद इसके जगदानंद सिंह नहीं माने। राजद की ये दो दिवसीय बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। कल दूसरे दिन भी बैठक जारी रहेगी। इसका आयोजन विशाल महासभा तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इसमें सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सभी स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इनमें से कुछ नेता अपने विचार बारी बारी से पार्टी अध्यक्ष और तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं के सामने रखेंगे। साथ ही कुछ घंटे सवाल जवाब भी होंगे। इस दौरान पार्टी की भविष्य की योजना पर भी बातचीत संभव है। बता दें कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने और फिर वहां की सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक दिल्ली में हो रही है। पार्टी के इस बैठक में देश के तमाम हिस्से में पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने और फिर वहां की सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी ने इस बैठक में देश के तमाम हिस्से में पार्टी के सदस्यों और पदाधिकारियों को बुलाया है। दो दिवसीय इस बैठक में राजद अपनी विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा कर सकती है।